welcome to math class ninth. today our topic is number system. after watching this video you will be able to differentiate the decimal expansion of rational numbers and irrational numbers. means आपको पता चल जाएगा कि rational number की decimal expansion कैसी होती है और इर्रेशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती है इससे आपको रैशनल नंबर्स और इ नंबर के बारे में और भी क्लैरिटी हो जाएगी अब देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं फ्रैक्शन जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं मींस पी ओवर के की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इरेशनल नंबर कौन से होते हैं जो ओवर के ओ के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते जैसे रूट थ्री रूट फाइव रूट सिक्स जिनका पूरा पूरा रूट हम नहीं निकाल सकते हैं अब ये देखो दो नंबर्स हैं आपके पास उनकी हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकालनी है पहला नंबर है ट्वेंटी एट ओवर एट जब हम ट्वेंटी को एट से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जीरो आ जाता है इसका मतलब जब हम रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो उसको कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरे में हमारे पास क्या है टेन ओवर थ्री और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है कभी भी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता और जो क्वेश्चन में नंबर हैं वो कुछ टाइम के बाद रिपीट होने शुरू हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल्स अब ये देखो कितने तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है एक तो टर्मिनेटिंग होती है जब रिमेंडर ज़ीरो आ जाता है और दूसरी नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होती है जब क्वेश्चन में नंबर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं और एक थर्ड वन होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इरेशनल नंबर्स की होती है ये जब वो जैसे हम रूट टू की वैल्यूज निकालनी शुरू करें तो वो डेसिमल में आती है और वो क्या तब क्या हो जाती है डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होती नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अब ये देखो डेसिमल एक्सपेंशन को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक तो टर्मिनेटिंग होती है एक नॉन टर्मिनेटिंग अगर वो टर्मिनेटिंग हो गई तो वो आपका रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग के आगे टू पार्ट्स हैं रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग अगर वो रिपीट हो गई तो आपका रेशनल नंबर है, है, तो है और अगर वह नॉन टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर है अब देखो रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन में टू चॉइसेस हैं आइदर दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग और रिपीटिंग अब ये देखो ये एक रेशनल नंबर है जिसको हमने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गई ठीक है जैसे वन ओवर एट को डिवाइड किया तो जीरो पॉइंट वन टू फाइव तो ये टर्मिनेटिंग है इसलिए ये कौन सा नंबर आ गया रेशनल नंबर अब इस एग्ज़ाम्पल में हमने फाइव को नाइन से डिवाइड किया तो हमारे पास जीरो पॉइंट फाइव 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 तो फाइव फाइव क्या है रिपीट होना शुरू हो गया तो इसलिए ये कौन सा नंबर है रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अब ये टू और रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं जीरो पॉइंट सेवन बार एंड ज़ीरो पॉइंट एट वन बार ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है अब देखो इ नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी वो होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रैकरिंग रैकरिंग मीन्स रिपीटिंग अब जैसे मैंने पहला नंबर लिखा हुआ है फोर्टी थ्री पॉइंट वन ज़ीरो वन डबल ज़ीरो वन ट्रिपल जीरो वन फोर टाइम्स जीरो तो ये वाला नंबर जो है इ नंबर है क्योंकि हम इस नंबर के ऊपर बार नहीं लगा सकते अब नेक्स्ट वाले टू नंबर्स भी इसी तरह से लिखे हुए हैं सेवन थ्री तो ये भी कौन सा नंबर है इरेशनल नंबर और नेक्स्ट नंबर भी इरेशनल नंबर थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वॉच दिस वीडियो अगेन थैंक यू